गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड लोक प्रशासन के सेकंड पेपर में हमने पिछली क्लास के अंदर मुख्य सचिव का नया टॉपिक प्रारंभ किया था। मुख्य सचिव के बारे में हमने कल उसके कार्य वगैरह का अध्ययन किया था। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करते हैं मुख्य सचिव की भूमिका। मुख्य सचिव की क्या क्या भूमिका होती है, इसमें पहली भूमिका जो आती है मुख्य सचिव की, वो आती है मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में। मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण सहयोग करने का कार्य मुख्य सचिव के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम एक चीज समझें कि मुख्यमंत्री का पूर्ण रूप से हर कार्य में साथ देने वाला जो प्रशासनिक अधिकारी है वो मुख्य सचिव ही होता है। अब मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप के अंदर किसी राज्य में नए मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना के साथ ही मुख्य सचिव भी परिवर्तित हो जाता है। लोक सेवक होने के नाते मुख्य सचिव राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है। मतलब जब हमारे राज्य का मुख्यमंत्री परिवर्तित होगा तो फिक्स है कि मुख्य सचिव भी परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में होने के नाते मुख्यमंत्री यह चाहता है कि मेरा विश्वास पात्र या मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति ही मुख्य सचिव होना चाहिए। उनके विचारों से मेल खाने वाला व्यक्ति या मुख्यमंत्री का चहेता प्रशासनिक अधिकारी ही मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के परिवर्तित होते ही मुख्य सचिव का पद भी परिवर्तित हो जाता है, मुख्य सचिव भी परिवर्तित हो जाता है। और मुख्य सचिव एक लोक सेवक होता है, इसलिए वो राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है। उसे राजनीतिक दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल निष्पक्ष रूप से मुख्यमंत्री का सहयोगी होता है। मुख्य सचिव द्वारा मंत्रिमंडल बैठकों की व्यवस्था, वांछित सूचना या फाइल उपलब्ध कराना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना परामर्श देना तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू कराने में मुख्य सचिव की भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें देखें कि मुख्य सचिव द्वारा हमारे मंत्रिमंडल से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं या कोई भी फाइल या उचित सूचना, इसके अलावा जो भी मुख्यमंत्री चाहे या जो भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों पर परामर्श देने का कार्य मुख्य सचिव ही करता है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं एवं परियोजनाएं होती है वह सभी मुख्य सचिव के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। इसके बाद में अपन देखें दूसरी जो भूमिका है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। राज्य स्तर पर सर्वोच्च पद जो होता है वो मुख्य सचिव का ही होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि सबसे बड़ा पद राज्य में हमारे मुख्य सचिव का होता है और ऐसा व्यक्ति मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है जो दूरदर्शी, ईमानदार, कर्मठ और सहनशील व्यक्ति होता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासन के अंदर गहन अनुभव प्राप्त कर चुका हो, इसीलिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राज्य सचिवालय के विभागों के सभी सचिवों, निदेशालयों के निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों तथा अन्य सभी राज्य कर्मचारियों का शीर्षस्थ अधिकारी मुख्य सचिव ही होता है। हमारे यहाँ पर राज्य सचिवालय में जितने भी सचिव हैं उन सचिवों में शीर्षस्थ पद निदेशालय हैं, उनमें निदेशकों, जितने भी संभागीय आयुक्त हैं और जितने हमारे राज्य में जिले हैं उन जिलों के जिला कलेक्टरों में जो सबसे बड़ा पद होता है वो मुख्य सचिव का ही हो
शिथिलता या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। हमारे राज्य में जितने जिले हैं, जितने संभाग हैं, तो संभागीय आयुक्त को, जिला कलेक्टरों, निदेशालयों के निदेशकों, इन सभी के ऊपर ध्यान रखने का कार्य हमारे मुख्य सचिव का ही होता है। मुख्य सचिव ये देखता है कि इनमें कहीं पर कोई शिथिलता उत्पन्न ना हो, कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। यदि हमारे कोई विभाग या कोई इकाई के द्वारा अगर कार्य करने के अंदर कुछ शिथिलता उत्पन्न होती है या कुछ धीरे कार्य किया जाता है या उच्च कार्य किए जाते हैं, तो अच्छे कार्य करने के ऊपर हमारे मुख्य सचिव को काफी नाम होता है, और अगर शिथिलता उत्पन्न होती है या कार्य सही प्रकार से नहीं होता है, तो इसके लिए भी मुख्य सचिव ही जिम्मेदार होता है। इसीलिए मुख्य सचिव हमारे जितने भी सचिवालय हैं, जितने भी निदेशालय हैं और जिला कलेक्टरों के माध्यम से पूरे राज्य में कार्य को अच्छी तरीके से और शीघ्रतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में हम देखें तीसरा कार्य आता है उच्च विभागों के प्रमुख के रूप में। हमारे यहाँ पर बहुत सारे विभाग होते हैं, उन विभागों के अंदर जो मुख्य सचिव है उनको सचिव का पद भी दिया जाता है। इसमें देखें कि मुख्य सचिव राज्य के संपूर्ण प्रशासन तंत्र का प्रशासनिक प्रमुख है। हमारे जितना भी प्रशासन तंत्र है उनका प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव ही होता है, और कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनका सचिव पद मुख्य सचिव द्वारा धारित किया जाता है। जैसे कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, इनके सचिव पद पर मुख्य सचिव की नियुक्त होता था, लेकिन कुछ समय से इन विभागों के भी अलग से सचिव, पृथक से सचिव नियुक्त किए जाने लगे हैं। पहले तक मुख्य सचिव को ही इन विभागों में सचिव पद दिया जाता था। मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य की वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण तथा नियोजन एवं विकास समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव भरपूर भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री के मुख्य परामर्शदाता के रूप में मुख्य सचिव होता है, तो मुख्य परामर्शदाता के रूप में होने के नाते मुख्य सचिव द्वारा हमारे राज्य की जो वार्षिक योजनाएं तथा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है, उन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जाना मुख्य सचिव पर ही निर्भर करता है। हमारे यहाँ पर जो इन नियोजन या